नवगछा के माधवपुर मध्य विद्यालय में हुआ भोजन विषाक्त, सैकड़ों बच्चे हुए बीमार, अनुमंडलीय अस्पताल में मची अफरा तफरी। छिपकली को देख प्रधानाचार्य बोले, है बैगन की डंडी। नवगछा के मध्य विद्यालय महदतपुर उत्तरी में 200 से अधिक बच्चे मिड डे मील का खाना खाने से बीमार हो गए। आनन फानन में उन्हें अनुमंडल अस्पताल नवगछा में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि मिड डे मील खाने के बाद 200 से अधिक बच्चे बीमार हुए, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गुरुवार को स्कूल में मिड डे मील खाने में तालिका के अनुसार चावल दाल और सब्जी बच्चों को खिलाया गया। बच्चे स्कूल में छुट्टी होने के बाद 4 बजे कोचिंग गए थे। वहीं एक बच्चे को उल्टी शुरू हुई, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद सैकड़ों बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन को जानकारी दी गई और बच्चों को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बच्चों ने बताया कि 8वीं कक्षा के छात्र आयुष कुमार की थाली में छिपकली मिली थी। जब इसकी शिकायत प्रधानाचार्य चितरंजन प्रसाद सिंह से की तो उन्होंने कहा कि बैगन की डंडी है, चुपचाप खा लो। बच्चों ने यह भी कहा कि जब कुछ बच्चों ने खाना खाने से इनकार किया तो प्रधानाचार्य चितरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा उन्हें पीटा भी गया और जबरदस्ती खाना खिलाया गया। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बच्चों के बीमार पड़ने के बाद अभिभावक गुस्साए गए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों की इस स्थिति के लिए स्कूल प्रशासन और प्रधानाध्यापक जिम्मेदार हैं। घटना हुई है सर, हम लोग को सूचना मिली है कि कुछ बच्चे जो है सो बीमार हो गए। किस कारण से है? क्या हुआ था? जो कारण की हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं सर, बच्चे उल्टी कर रहे हैं सर। हाँ। उसमें खिचड़ी उसके मुंह से निकल रहा है। हाँ। बोला जा रहा है छिपकली खाना में गिर गया था, मेनू के अनुसार सही खाना नहीं बना था और शिक्षक लोग प्रेशर करके खिला रहे थे। हम लोग देख रहे हैं, जिसको जो इसके लिए जवाबदेह होगा हेडमास्टर या रसोईया, उस पर हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। अनुमान अभी, अभी पहले बच्चे को हम लोग इलाज करवा रहे हैं, उसमें आप लोग मदद। बच्चे बीमार अनुमानित क्या? अभी हम लोग तो आए ही है, देख रहे हैं। अनुमानित सर अंदाज? अभी हम लोग हॉस्पिटल का मुआयना कर रहे हैं, उसके बाद। सर का नाम क्या हुआ? विजय कुमार झा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवगछिया। तो खाओ न तो जाओ घर खाने के लिए, फिर सब बच्चा ने खाने लगा तो उसको मार मार के खिलाने लगा। कौन कौन? चितरंजन सर। ये कौन है चितरंजन? हेड सर। कैसे पता चला उसमें गिरा हुआ है? क्या खाने के बाद क्या हुआ? मानून घूमने लगा, जब वेट वाली खाने लेकिन तब आयुष नाम का एक भैया था ना, उसी के थरिया में छिपकली मिला था। आज मीनू क्या था खाना, क्या था आज? भात दाल बैगन और आलू। अच्छा, तो ये कौन स्कूल है तुम्हारा? मध्य विद्यालय मददपुर। कितने बजे आज खाना हुआ था स्कूल में? 1:30 बजे। 1:30 बजे आज शिक्षक लोग जो खाते वो खाया था? हाँ खाए थे सब। सब शिक्षक खाए थे? खाली सब नहीं, 3 मैम सिर्फ खाए थे। कौन कौन मैम खाई थी? लाती है जिस दिन ललिता मैम, रेखा मैम और अल्पना मैम आज खाई थी। हाँ। अच्छा, और कितना बच्चा खाया होगा खाना? एक सिर्फ 8 क्लास का लड़का ने, बच्चा ने खाया और सारा टोटल का टोटल खा लिया। अच्छा, तो ये प्रेशर दिया गया तुम लोग को खाने के लिए? हाँ। कौन कौन शिक्षक तुम लोग को बोला कि खाना जबरदस्ती खाना है, मारपीट? चितरंजन सर। स्कूल में मिड डे मील खाने से कई भी बच्चे बीमार हो गए। हाँ, हम लोग को थोड़े देर पहले मालूम पड़ा है कि मध्यान्ह भोजन खाने से मददपुर के कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमारा और एसडीओ साहब दोनों का ये हुआ, दोनों आदमी हॉस्पिटल में है, एसडीओ साहब भी है ना, हम लोग भी हैं, तो यहाँ जो भी अरेंजमेंट हो सकता है सब किया गया है। हम लोग भी घूम फिर के देखे हैं, ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सबको अभी चेकअप में रखा गया है, डॉक्टर साहब उसका देख रहे हैं और स्थिति पर नियंत्रण किया गया है। बल का भी व्यवस्था करवा लिए हैं हम लोग, क्योंकि गार्जियन बहुत सारे आ रहे हैं, तो हौच पौच की कंडीशन नहीं हो इसके लिए महिला बल भी अभी कॉल किया गया है, थोड़े देर में पहुंच जाएगी। फिलहाल रंगराज थाना प्रभारी हैं, टाउन थाना प्रभारी हैं, हम हैं, आसपास के जितने थाने हैं सबको यहाँ पर कॉल किया गया है, और हमारी एक टीम जो है महदतपुर गाँव में गई हुई है, तो वहाँ भी सुने हैं कि कुछ बच्चों का जो है डर बना हुआ है, ऐसे तो कुछ है नहीं, फिर भी एहतियात के तौर पर जो भी हो सकेगा और अरेंजमेंट किया जा रहा है, और इसकी जानकारी बड़ियों को भी दी गई है, एसपी साहब को भी बताया गया है, वो भी थोड़ी देर में हो सकता है पहुंच जाए यहाँ पर। देखने से क्या लग रहा है बच्चों को देखने से? ऐसा अभी तो क्लियर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सुनने में आया है कि कुछ बच्चों को वोमिटिंग टेंडेंसी वगैरह हुआ था और उनको शक था कि मध्यान्ह भोजन खाने से ही ऐसा हुआ है, तो चूँकि अब रात का समय है, गांव देहात है, रात में और भी तबीयत बिगड़ जाए, तो एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को हम लोग हॉस्पिटल बुला रहे हैं। गार्जियन थोड़ा सा पैनिक है, उनके लिए हम लोगों की तरफ से अपील है कि वो पैनिक नहीं हो,
स्थिति पर नियंत्रण है और जो भी जरूरत होगा बच्चों के लिए, यहाँ इलाज तो हो ही रहा है, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ज़रूरत होगी तो वो भी हम लोग करवाएंगे। और अभी जो बच्चों को गांव से लाया जा रहा है तो एम्बुलेंस तो है ही, साथ में पुलिस की गाड़ी, BDO साहब की गाड़ी, उन सब से भी बच्चों को लाया जा रहा है ताकि डॉक्टर साहब के नियंत्रण में, निगरानी में उसको रखा जा सके, इलाज करवाया जा रहा है। क्या कितना अंदाजा लग रहा है, बोलिए। ये जाँच के विषय है, अभी तो उस स्थल पर नहीं गए हैं हम लोग। जिनकी भी गलती होगी, जिनकी भी कमियां पाई जाएगी, बाद में बात कीजिएगा, कैसे कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल हम लोग बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं कि सारे लोग स्वस्थ हो जाएं, फिर उसका जांच हम लोग अलग से करेंगे। कितने बच्चे लग रहे हैं सर यहाँ आए होंगे? अभी काउंटिंग हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 100 से ज़्यादा बच्चे अभी यहाँ आ चुके हैं। सर, एक बच्चे का यह भी कहना है कि गिरगिट निकला था और प्रधानाध्यापक बोले कि बैगन का डंटी है और हम लोगों को खिला दिए जबरदस्ती। पता कर लेते हैं, आप ही के माध्यम से ये पता चल पा रहा है हम लोगों को, तो अभी उन बच्चों से ज़रा पूछताछ करेंगे। फिलहाल तो अभी इनके स्वास्थ्य का जानकारी ले लें हम लोग, वो जांच का अच्छा चीज़ है जो बाद में भी हो जाएगा, पहले तो जो बच्चे बीमार हैं उनका इलाज हम लोग करवा लें। स्कूल में मिड डे मील खाने से कई बच्चे बीमार हो गए, क्या स्थिति है? सूचना लगभग 5 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है, तो सूचना प्राप्त होने के साथ ही हम लोग एम्बुलेंस भेजे और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी मौके पर भेजे और इस अनुमंडलीय अस्पताल में सारी व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया। बच्चे आए हैं तो लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि मिड डे मील खाने के बाद तबीयत खराब हुआ है बच्चों का, तो आप लोग भी जैसा यहाँ देख रहे हैं इलाज चल रहा है बच्चों का और बहुत अधिक किसी का खराब टाइप तबीयत नहीं दिख रहा, लेकिन एहतियातन हम लोग सभी बच्चों पर नज़र रखे हुए हैं और बाकी किस कारण से हुआ है इसकी जांच करवाई जाएगी। कहा जा रहा है मिड डे मील में छिपकली गिर जाने से, सूचना तो इसी तरह की दी गई है, तो अब ये जाँचोपरांत ही पता चलेगा कि छिपकली के कारण हुआ या किसी कारण से, किस कारण से ये घटना घटित हुई है। कितना बच्चा सर यहाँ पर? लगभग 100 बच्चे के आसपास इस हॉस्पिटल में है। प्रधानाध्यापक का क्या रोल इसमें है, शिक्षक का? प्रधानाध्यापक को तो खाने की गुणवत्ता देखना ही है और संभवतः ये नियम भी है कि खिलाने के पहले बच्चों को भोजन को चख कर देख लेना भी है, तो कल हम लोग इस बिंदु पर जांच करेंगे। अभी प्राथमिकता जो बच्चों को कुशल रखना है और उन्हें सकुशल घर वापस करना है इलाज उपरांत। बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है प्रेशर देके हम लोग को खाना खिलाया गया है, इस तरह की तो घटना नहीं होती है कि कहीं ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है, लेकिन यदि बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो हम लोग इस बिंदु पर भी जांच करेंगे। किस स्कूल के मामला है सर? ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय महदतपुर, प्रखंड नौगछिया का है। अस्पताल में परिपूर्ण व्यवस्था है? हम लोग को सूचना जैसे ही मिली थी अस्पताल में इसके लिए सारी व्यवस्था करवाई थी, डॉक्टरों की टीम पहले से ही तैनात थी, तो कुल मिलाकर अस्पताल की व्यवस्था संतोषजनक